पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी का कटाव बदस्तूर जारी है। प्रखंड के सुगवा, महानंदपुर गांव भीषण कटाव की चपेट में है। यहां पर अब तक 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नदी में समा चुकी है। वहीं चनकी ताराबाड़ी गांव में भी कनकई नदी के कटाव के कारण घर और सड़क सहित मस्जिद और कब्रिस्तान नदी में समा चुके हैं। बाढ़ की आफत से परेशान ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। और यहाँ देखकर एक बहुत अफसोस हो रहा है कि 50 बीघा जमीन अब तक कट के नदी में गिर चुका है। फसल के साथ जामुनियासी है, परवल है, नदी में गिर चुका है। और हम लोग जिसको जिता कर भेजे हैं, जैसे हमारा प्रतिनिधि विधायक जी और सांसद जी को हम लोग जिता कर इसलिए भेजे थे कि हमारा वो पेट ना भरे, हमारा रोजी रोटी हम खुद चला लेंगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं। हम इसी वक्त के लिए उसको जिताए थे कि हमारा दुख सुख में आके साथ दे। बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने भी माना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में नदी कटाव की स्थिति गंभीर है, जिसको लेकर वे अधिकारियों से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुके हैं। जनप्रतिनिधि तो हम लोग विधानसभा में इस मसले पर क्वेश्चन भी किए हैं और इस मसले पर जिलाधिकारी को भी दिए हैं, उसका भी फाइंडिंग आपको भिजवा देंगे। क्वेश्चन भी हुआ है, क्वेश्चन में था कि अभी स्थिति सामान्य है, जवाब था सरकार का, जब ऐसी स्थिति होगी तो काम से निपटा जाएगा। अभी तक किसी तरह की ठोस पहल नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। उनके मुताबिक समय रहते कटाव रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो बायसी के कई गाँव का वजूद खत्म हो जाएगा। आज लगभग 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहां पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंच पाए हैं। इससे पहले हम लोग जो है विधायक जी के यहां लेटर भी दिए थे, जिसका कोई एक्शन नहीं हुआ। गौरतलब है कि सीजन के शुरुआत में ही इलाके में जल प्रलय की स्थिति है। बाढ़ प्रभावित सरकारी मदद के लिए तरस रहे हैं। नदी कटाव से विस्थापित हुए लोग जहाँ तहाँ जैसे तैसे रहने को मजबूर हैं। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में बाढ़ और नदी कटाव के स्थायी समाधान का दावा किया गया था। ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखने से लोगों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अगर भेजे हैं, जैसे हमारा प्रतिनिधि विधायक जी और सांसद जी को हम लोग जिताकर इसलिए भेजे थे कि हमारा वो पेट ना भरे, हमारा रोजी रोटी हम खुद चला लेंगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं। हम इसी वक्त के लिए उसको जिताए थे कि हमारा दुख सुख में आके साथ दे, लेकिन जिताने के बाद वो आज हम लोग उनके घर पर भी गए, बोलकर भी आए, लेकिन वहाँ से अब तक उसका कोई अता पता नहीं है।